अपने दम पे तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, उसको साथियों की जरूरत पड़ेगी। वो साथी कितना साथी धर्म निभाते हैं ये देखना पड़ेगा, या वो साथी पाला बदल के कहीं और चले जाते हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खेल अभी बाकी है, तो हमको वेट करना चाहिए। ठीक है, लड़वा सकती है। ढेर सारी छोटी छोटी कहानियाँ इस चुनाव के बाद और भी निकलेंगी मुझे लगता है, जब तक ये परिणाम साफ होते जाएंगे। पहले तो आप कुछ उस पर जोड़ना चाह रही थी। दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं मुझे थोड़ी सी वो अजीब सी बातें लगती हैं। एक तो ये अजम्पशन ही अपने आप में गलत है कि जितना विपक्ष का मतदाता है वो सब मुस्लिम ही है सिर्फ। मतलब ये एक इतना सिंपलिस्टिक एनालिसिस पूरा का पूरा एक मैंडेट का वो नहीं, बाकी को किसी को काउंट नहीं, वो वोट प्रतिशत के हिसाब से मुमकिन भी नहीं है, उसमें और आए हैं। तो वही वही आप ये कह रहे पूर्णिमा जी, एनालिसिस संभव नहीं है। अब मैं पूर्णिमा जी ये बात पूरी हो जाए, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया है। नहीं मुसलमानों ने कितने मुसलमान वोट देते हैं, नहीं भी दिया होगा, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वोट से विपक्ष को इतनी सीटें आ गई, ये वो तो वो भी संभव नहीं है ना। दूसरा आप जो जंगल राज बयान कर रहे हैं, यूपी में जंगल राज, यूपी के तो जंगल राज का ऐसा कोई बहुत भयानक हमारे सामने नहीं हुआ है जितना कि इनके राज में हुआ है जब से योगी जी आए हैं। हाथरस इन्हीं के टाइम में हुआ, उन्नाव कांड इन्हीं के टाइम में हुआ, तो वो सब जंगल राज के उदाहरण नहीं है। यूपी उसके पहले जंगल राज था, अब तो राम राज्य है वहाँ पे। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मतदाता जो निकला वो उनका घर बैठ गया। आप इलाहाबाद में जाके कभी घर बैठ गया उनका मतदाता और इनका निकला, विपक्ष का निकला, क्योंकि इसको बहुत डर था कि हमारा ये छिन जाएगा वो छिन जाएगा। लेकिन महिला सुरक्षा हो गई या दूसरे जो मुद्दे जो आपने अभी जस्ट बयान किए हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो आपने मतदाता को ठेंगे पे रखा दो फेस तीन फेस के बाद आप कहने लगे कि हम तो बहुमत पार कर गए हैं और अब तो बाकी अब तो 400 पार हमें जाना है, तो उसका क्या मतलब था? संदेश तो यही था ना वोटर को कि आपका तो वोट गया भाड़ में, हम तो ऑलरेडी मेजोरिटी लेके बैठे हुए हैं, तो फिर क्यों कोई मतदाता निकलेगा? तो वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।